हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज की अगली कॉमिक्स, डोगा मार। ये दुनिया बहुत ही खतरनाक अपराधियों से भरी है और कुछ लोगों का पेशा ही दूसरों को फीस लेकर मारना है। भारत में इस फीस को सुपारी कहते हैं, पश्चिमी देशों में कॉन्ट्रैक्ट अर्थात ठेका कहते हैं और ऐसे हत्यारों को कॉन्ट्रैक्ट किलर। कॉन्ट्रैक्ट के बाद शुरू होता है चूहे बिल्ली का खेल। मौत जिंदगी के पीछे पड़ जाती है। रोंगटे खड़े करने वाले दांव पेंच पर संघर्ष के बाद अगर मौत जीत जाती है तो जिंदगी बन जाती है दीवार पर टंगी फोटो। सफलता एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को बना सकती है। डोगा मार। फ्रांस का एक छोटा सा कस्बा मियोन केवल एक बात के लिए प्रसिद्ध है कि वहां विश्व का सबसे खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर कार्लोस रहता है। कार्लोस वही कॉन्ट्रैक्ट किलर है जिसने लैटिन अमेरिका के दो राष्ट्रपतियों की हत्या की, बेल्जियम के प्रधानमंत्री पर जानलेवा हमला किया। यानी ये आदमी कार्लोस हमारा काम आसानी से कर सकता है। इसको बुलाने के लिए हमें मियोन जाना होगा। कट। मुंबई के सांता क्रूज एयरपोर्ट से उड़ान भरते विमान में मौजूद उस अज्ञात शख्स का इरादा सचमुच बड़ा खतरनाक था। और जल्द ही मियोन में, कार्लोस मुझे जब्बार कहते हैं, तो तुम हो मुंबई के अपराध जगत का सबसे बड़ा गैंगस्टर। अधिकतर मेरा जरूरत बड़े बड़े उद्योगपतियों, अमीरों, राजनेताओं और मंत्री स्तर का लोगों को पड़ता है। तुम जैसा आदमी को भी मेरा जरूरत पड़ गया। उसका नाम सुनोगे तो तुम भी मेरी जरूरत को महसूस करोगे। बोलो, इंडिया में किसका खून करवाने को मांगता है? डोगा का। डोगा मुंबई, पैसे की चकाचौन से चमचमाती मुंबई, जो दिन में नीले आकाश की तरह खूबसूरत लगती है और रात में ये तारों से भरे आकाश की तरह टिमटिमाकर और ज्यादा खूबसूरत हो उठती है। मगर ये खूबसूरती रेगिस्तान में दिखाई पड़ते उस पानी की तरह है जिसे मृग तृष्णा कहते हैं, क्योंकि अक्सर जुर्म के दानव रात को ही अपना जबड़ा खोलते हैं। इन जबड़ों को तोड़ने के लिए रात को और ज्यादा सक्रिय हो उठता है कानून का डंडा। सड़क पर कोई घायल पड़ा है, चलो देखते हैं, पता नहीं जिंदा होगा या मर गया होगा। मैं तुझे मारने के लिए जिंदा हूं। इसी के साथ कई भागते कदमों के स्वर गूंजे। पलक झपकते ही दूसरा हवलदार कई खतरनाक से नजर आने वाले गुंडों से घिर गया। तुझे भी यही मार देंगे इसी जगह पर। कुत्ते की मौत नहीं मरना चाहता है तो बता कि जब्बार साहब कहाँ है। कौन जब्बार साहब? वही जिसका नाम सुनकर मुंबई में पत्ता भी खड़कना बंद कर देता है। वही जब्बार साहब जिसके नाम से तुम पुलिस वालों के चेहरे तुम्हारी वर्दी की तरह नीले और पीले पड़ जाते हैं। छोटा भाई भाग और पुलिस आयला है, पर अपुन इस हरामखोर को जिंदा छोड़कर नहीं जाएगा। थाए, आ। उसके बाद भागते कदमों की आवाजें सुनसान गली की मेहमान बनती चली गईं। यह आटे ज्यादा समय तक उस गली की मेहमान बनी रहने वाली नहीं थी, क्योंकि अब उस गली में गूंज उठी थी उन मजबूत कदमों की आवाजें जो रात के भक्षक डोगा की थी। तुम्हारे भागते कदमों की आवाज जुर्म की थमक पैदा कर रही है। बैंग बैंग बैंग। उन आवाजों को सिर्फ डोगा ही दबा सकता है, क्योंकि डोगा समस्याओं को हल नहीं करता बल्कि उन्हें जड़ से मिटा डालता है। पर मुझे अफसोस है कि मैं उन हवलदारों को नहीं बचा सका। गोलियों की आवाजें सुनकर पुलिस जल्दी ही वहां पहुंची। यही लोग थे जो दोनों बीट कांस्टेबल्स को मारकर भागे थे। पर इन्हें किसने मार डाला? नामी गुंडे बदमाशों की इस तरह मिलने वाली लाशें या तो किसी गैंगवार का नतीजा होती हैं या डोगा के जुनून का शिकार। सचमुच ये भी जुनून ही था जो जब्बार के नाम से पैदा हुआ था और कानून पर अपना पंजा कस रहा था। ट्रिन ट्रिन। राजन बोल रहा हूँ कमिश्नर, तुम क्या समझते हो कि तुम पुलिस वाले जब्बार साहब को किडनैप करके बच जाओगे? नहीं बचोगे कमिश्नर, कम से कम तुम और तुम्हारी फैमिली नहीं बचेगी। कान खोल कर सुन ले कमिश्नर, तेरी बीवी और दोनों बच्चे मेरे कब्जे में है। ले पहले उनसे बात कर। पापा, इन लोगों ने मैं पकड़ रखा है पापा। उफ, सुनिए, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। और सुन ली आवाज, क्या चाहते हो? जब्बार साहब को छोड़ दो। कौन जब्बार साहब? ओ, कहीं तो उसी कुख्यात अपराधी सरगना जब्बार की बात तो नहीं कर रहे? बहुत भोले बन रहे हो कमिश्नर। मुझे पता है कि जब्बार साहब को खुद मुंबई पुलिस ने किडनैप करवाया। तुम्हारे दो बीट कांस्टेबलों को इसलिए मार दिया क्योंकि उनमें से एक का परिचय पत्र हमें उस जगह से मिला है जहां से जब्बार साहब को किडनैप किया गया था। मगर यह भी तो हो सकता है कि वो तुम्हें बिना बताए कहीं बाहर चला गया हो।
जब्बार साहब अभी तक शहर से बाहर नहीं गए कमिश्नर, हमारे आदमी शहर से बाहर जाने वाले सभी रास्तों के चप्पे चप्पे पर फैले हुए हैं। तुम्हारे पास समय बहुत कम है कमिश्नर, सिर्फ 3.5 घंटे। सोच लो कि तुम्हें जब्बार साहब की कैद प्यारी है या अपने बीवी बच्चों की जिंदगी। तुम्हें वहम हो गया है जब्बार हमारे पास नहीं है, हेलो हेलो चीखता रह गया कमिश्नर। जबकि इधर कमिश्नर की कुर्सी मैंने हिला दिया, अब अगर उसे अपने बीवी बच्चों की जिंदगी प्यारी होंगी तो 3.5 घंटों में जब्बार साहब को छोड़ देगा। ये 3.5 घंटे अब उसे 3.5 साल की तरह लगेंगे। तभी गूंज उठा गुर्राता हुआ सा स्वर, उन पलों की सोचो राजन जो तब एक एक बरस लंबा हो जाता है जब टोगा सामने आता है और बेहिसाब पिटाई लगाता है। डोगा तेरे दिन पूरे हो गए, दिन जुर्मों के पूरे होते हैं, मुजरिम और उन हत्यारों के पूरे होते हैं जिन्हें लोगों से ट्रक भर भर कर बद्दुआएं मिलती हैं। घबराओ नहीं, अब तुम सुरक्षित हो। हाँ डोगा, पर सिर्फ तुम्हारे कारण। तुम कानून से बढ़कर हो डोगा, क्योंकि मुजरिमों तक उससे पहले पहुंचते हो और मुझे इस बात का हमेशा दुख रहता है। इसलिए डोगा आज तक जिंदा है और शायद इसलिए डोगा हमेशा जिंदा रहेगा। अपने कान बंद करो। ठा ठा ठा। डोगा तुमने उन्हें मार दिया? नहीं मैंने नहीं, उन्हें उनकी शैतानियत ने मार डाला। वो एक खूंखार गैंगस्टर जब्बार के आदमी थे जिनका काम है चोरी स्मगलिंग खून डाके। उसके ड्रग से भरे एक लॉन्च को मैंने पिछले ही माह समुद्र में डुबो दिया था। जब्बार के दाएं हाथ छोटा भाई की जेब से मिले पत्ते के आधार पर मैं यहाँ पहुंचा था। अगर ना पहुंचता तो कमिश्नर के परिवार को बचा ना पाता। मुंबई अपराध के सबसे बड़े गैंगस्टर जब्बार का बांध आ गया है, मगर उससे पहले मुझे प्रिंस ऑफ वेपन से मिलना है। मुंबई के लाव पेंटेड 5-स्टार होटल के रॉयल सूट में ठहरे हैं कोल्हापुर के शाही खानदान के वारिस प्रिंस कृष्ण चंद्र सिंह। प्रिंस टेनिस के शौकीन है। इस समय सूट में प्रिंस के साथ है डोगा। प्रिंस पर डोगा का एक पुराना एहसान है। डोगा अपनी सेवाओं की कोई कीमत तो नहीं लेता, पर डोगा जानते हो इस गन को बनाने में उन्हें 6 साल लगे। देख रहा हूं आपने अंडर स्टॉक पर मधुबनी पेंटिंग्स की नक्काशी करवाई है। वह डोगा की रुचि को जानते हैं, अतः जब भी वह विदेश यात्रा से नई गन खरीद कर लाते हैं तो डोगा को दिखाते हैं। डोगा तुमसे मिलने का मेरा उद्देश्य केवल अपनी मधुबनी चित्रकारी वाली गन दिखाना नहीं था। मुझे फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर जब्बार नजर आया था। जब्बार? मेरी बात ध्यान से सुनो। ओह फिर जब्बार। मैंने उड़ती नजर उसके सूटकेस पर डाली थी, उसमें और बैगों के अलावा नियॉन का बैग भी था। कुछ समझे? कुछ नहीं समझा मैं। मेरे दोस्त फ्रांस का यह छोटा सा कस्बा मियोन एक बात के लिए प्रसिद्ध है, वहां विश्व का सबसे खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट क्लर्क कार्लोस रहता है। जरा सोचो जब्बार वहां क्यों गया होगा। अपना ख्याल रखना डोगा, और हाँ ये गन तेरी तरफ से मेरी तरफ से हमेशा की तरह तुम्हें तोहफा। डोगा समझ गया कि शायद जब्बार विश्व के सबसे खतरनाक हत्यारे कार्लोस को उसके नाम की सुपारी दे चुका है। इस सूचना के लिए धन्यवाद प्रिंस, सावधान रहना। शायद प्रिंस ऑफ वेपन को यह बात नहीं मालूम कि डोगा आज तक जिंदा ही इसलिए है कि वह हमेशा सावधान रहता है। सावधानी हटी दुर्घटना कटी, मगर पता नहीं डोगा पर निशाना साधने वाला वो शख्स भी यह बात जानता था या नहीं। उसे इंफ्रारेड टेलीस्कोप में डोगा की लाल आकृति स्पष्ट नजर आ रही थी। डोगा कार्लोस ही था वो, जब्बार इसी से डरकर मेरे पास आया था, पर अब मेरा फिगर का सिर्फ एक हरकत से दूसरी दुनिया में पहुंचा देगा। एक क्षण बाद ही ओह किसी ने मुझ पर गोली चलाई है। रोमांच के कारण डोगा के पूरे शरीर में चीटियां सी दौड़ गई। वह नीचे कूदा, थप थप। क्या यह गोली कार्लोस का विजिटिंग कार्ड था? मगर उसे मेरे यहाँ होने का पता कैसे चला? आज के अखबार में छोटा भाई और राजन की डोगा के हाथों हत्याओं की खबरें छपी हैं, जिसमें पुलिस के मुताबिक शिंग की कैंजू जापानी पिस्तौल का प्रयोग डोगा ने किया है। पुलिस को भले ही पता न लगे, मगर अपराध की दुनिया में रचे बचे लोगों के लिए यह पता लगाना मुश्किल नहीं कि भारत में यह पिस्तौल सिर्फ प्रिंस के पास ही मिल सकती है, और जब प्रिंस मुंबई में हो तो डोगा उसे मिलने जरूर जाएगा। यह बात कार्लोस जैसा व्यक्ति जरूर जान सकता है। वो रहा कार्लोस, वह दूसरे पास ही सटी इमारत पर जम कर रहा है। अब तक वो समझ गया होगा कि आज वो डोगा को अपना निशाना नहीं बना पाएगा, पर उसने अपना विजिटिंग कार्ड भेजा है तो मैं भी उसे खाली हाथ वापस नहीं जाने दूंगा। क्यों? कार्लोस की किस्मत अच्छी थी कि गोली उसके जूते की हील से टकराई। मगर नहीं, यह डोगा की दरिया दिली थी। मेरा विजिटिंग कार्ड तुझे मिल गया कार्लोस, अब दोबारा सामने पड़ेगा तो गोली जूता रही तेरा सिर तोड़ेगी। भारत पहुंचकर कार्लोस को अपने उन अज्ञात शत्रुओं का भी पता शीघ्र ही चल जाने वाला था जिनकी वजह से आज डोगा उसके हाथों से बच गया। ओ यही है ब्लडी इंडियन मस्किटो, ब्लडी कंट्री,
पता नहीं इसने मच्छरों के बीच यहाँ के लोग कैसे रहते हैं। पुअर इंडियंस स्क्रैचलेस। एक मच्छर द्वारा काटे जाने के कारण कार्लोस का हाथ बहक गया था और निशाना चूक गया। फ्रांस वासी जो ठहरा, जिसके लिए मच्छरों का दंश सांप या बिच्छू के दंश जैसा ही है। फ्रांस विश्व का एकमात्र देश है जहां मच्छर नहीं होते। कुछ देर बाद ही कार्लोस की तर्जनी टेलीफोन के बटन दबा रही थी। कुछ वर्ष पूर्व एक अफ्रीकी देश ने मच्छर को वहां का राष्ट्रीय प्राणी घोषित किया था। वहां पाए जाने वाले मच्छरों द्वारा काटे जाने पर तेज बुखार हो जाता है और इसी कारण गोरे लोग वहां टिक ना पाए और वह देश आजाद बना रहा। तब समाचार पढ़ कार्लोस खूब हंसा था। आज उसे हंसी नहीं आ रही थी। हैलिस रोड स्थित पवार मेडिकल स्टोर। यस सर। ऑडोमास क्रीम, अदर इज जेट लिक्विड लोशन। कोई फॉरनर मच्छर दूर रखने वाली दवाइयों का पता कर रहा था। इधर होटल के रूम में त्योगा काफी फास्ट करेक्टर है। कितनी तेजी से कूद कर नीचे पहुंचा था। गोलियों से बचकर ऐसे भाग रहा था मानो कोई कंचे फेंक रहा हो। अब उसे सामने लाने का प्लान बी लागू करना होगा। कार्लोस प्लान बी लागू करने वाला था, मगर इस प्लान को लागू करने से पहले उसके लिए जरूरी था मच्छरों का इलाज। मेडिकल स्टोर वाला बता रहा था कि स्क्रीन का असर 3-4 घंटे रहता है। प्लान बी में डोगा के मारे जाने के बाद मुझे इंडिया में शायद इससे ज्यादा नहीं रुकना पड़ेगा। और कार्लोस जब वहां से चला तो टेबल पर पड़ी ओडोमास की पूरी चिपकी हुई ट्यूब बता रही थी कि कार्लोस ओडोमास का चलता फिरता विज्ञापन बना हुआ है। और ये था कार्लोस का प्लान बी। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी के लोकल गुंडे बदमाश उठाई गए। देखो तुम, इंडिया के क्रिमिनल लोग का स्टैंडर्ड बहुत खराब है। घिसा पिता हथियार लेकर क्या क्राइम करेगा तुम? पुलिस और डॉगमैन डोगा क्रश करेगा तुमको। क्या करेगा साहब, मजबूर है। कार्लोस का हाथ बैग में गया और आईसा माफिक गने यूज करने को सको मैन, एकदम मॉडर्न, वेरी डेंजरस। ओह वाह पन साहब, इसको खरीदते वास्ते बहुत पैसा लगता। हम छोटे चोरी चकारी करने वालों के पास इतना पैसा नहीं है साहब। डोंट वरी, लोन पर देगा तुमको हम। बाद में पैसा आएगा तब हमको देगा। ऑलराइट, ये लो बजूका वैम गन। और तुम एरोट्रैक गैलेक्सी 17 हैंड गन। हमें ये कीमती हथियार क्यों बांट रहा है? वाह, कोई पुलिस या डोगा का खार खाया लगता है। हमें क्या लेना, आम खाने हैं या पेड़ गिनने? मैं तुम्हें हथियार देगा, तुम करो रोड होल्ड, अपराबरी, मर्डर। पुअर इंडियंस, पुअर डोगा। इसके शरीर से भी ओडोमास की बू आ रही है और हथियारों में से भी आ रही है। पर ओडोमास साहब ने हमारा काम आसान कर दिया। आधुनिक हथियारों से लैस बदमाशों के हौसले बुलंद हो उठे। गोलियों की आवाज सुनकर डोगा आ गया तो आज तो मैं पूरी बस लूटूंगा। सारे हथियार उस पर खाली कर देना। बस रुक गई, आगे बढ़ो, लूट लो बस को। आनन फानन में ही सारे बदमाश बस में घुस गए। मगर दूसरे ही पल बस से उतर कर भागो। न जाने क्या देखकर दिमाग इतने खराब हो गए कि हथियार चलाना भी भूल गए। भागो, खाली बस में डोगा है। जुर्म के कदमों की आहट डोगा को फौरन जुर्म मुजरिम के पास ले जाती है। मेरे SD4 गन एक साथ 72 आदमियों को मार सकती है। इसे मौत पर काबू पाना हमारे बस की बात नहीं। मगर डोगा की चलाई गोली किसी को भी नहीं लगी। डोगा भी हवा के झोंके की तरह बाहर आया। तो मैं तो ये हथियार चलाने भी नहीं आते होंगे। ठाक, डोगा मैं तुझे शूट कर दूंगा। उफ, घोड़ा क्यों नहीं दबरा? घोड़सवारी जो नहीं आती तुझे, घोड़ा दौड़ाने के लिए लगाम ढीली छोड़नी पड़ती है और इस हैंडगन का घोड़ा खींचने के लिए जबरदस्त ताकत लगानी पड़ती है जो तेरे में है नहीं। और इस हैंडगन का घोड़ा खींचने के लिए जबरदस्त ताकत लगानी पड़ती है जो तेरे में है नहीं। डोगा ने दो बदमाशों को गटर में फेंक दिया। नहीं डोगा नहीं, गटर में मत फेंको, वहां मोटे मोटे चूहे रहते हैं। कीड़ों, तुम्हारी जगह इस नाली में है, गटर के भीतर। तुम्हारे पास वो महंगी विदेशी हैंडगन कहां से आई? किसी शोरूम से चुराई है? नहीं, मैं बताता हूं, मेरा गला छोड़ दो। चूहे से डरने वाले मग्गू बदमाश को अंधेरा गटर पुलिस के टॉर्चर रूम से भी अधिक खौफनाक लग रहा था और डोगा तो उसे साक्षात प्रेत लग रहा था। यह हथियार ऑडोमास साहब ने दिया, और भी बहुत से चोर लुटेरों को दिया उसने। डोगा का माथा खनक गया। उसने बहुत सारा ऑडोमास लगा रखा था। उसके बाटे हथियारों से भी ऑडोमास की बू आ रही थी, इसलिए हम उसे ऑडोमास साहब कहने लगे। वह विदेशी था, अंग्रेज की तरह बोलता था। यह ऑडोमास का क्या चक्कर है?
जानकारी प्राप्त करने के बाद वे बदमाश डोगा के लिए अनावश्यक हो गए थे। जब तक पुलिस नहीं आती यहां चुपचाप पड़े रहना। खटा बहुत सोचने पर भी डोगा को ओडोमास का रहस्य समझ में नहीं आया। इतना ज्यादा ओडोमास तो वही लगा सकता जिसे मस्किटो फोबिया हो। एक बार डोगा के सामने स्पष्ट होती जा रही थी, कहीं वो कार्लोस तो नहीं था। अगर यह कार्लोस है तो गन्स बांटने का उद्देश्य अपराधियों को सक्रिय करना। अपराध होंगे, मैं बीच में कूदूंगा। कहीं निकट कार्लोस मेरी घात लगाए बैठा होगा और अब देखना यह है कि वो पहले मुझ तक पहुंचेगा या मैं उस तक। डोगा एक मेन होल से बाहर निकला। संयोग से पास में एक ड्रग स्टोर था। यह तो डोगा है। तो तू डर क्यों रहा है? डोगा तो जनता का मित्र है। ओडोमास की एक बड़ी ट्यूब चाहिए। एक क्यों डोगा साहब, 8-10 ले लीजिए, तो कान आपकी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज की कॉमिक्स डोगा मार के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।